प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए नई सरकार भरसक प्रयास करने में जुट गई है। प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार पूरे में कांग्रेस सरकार ने स्कूल तो खोल दिए हैं लेकिन अध्यापक नहीं है। भारद्वाज ने बताया कि इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने की नौबत पर पंचायत प्रतिनिधियों समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग लेकर ऐसे स्कूलों का क्लस्टर बनाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्कूलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्कूल तो खोल दिए हैं लेकिन कहीं पर अध्यापक तो कहीं पर बच्चे नहीं हैं, जिस पर अब ऐसे स्कूलों के लिए लोगों के सहयोग से क्लस्टर बनाने के लिए योजना बनाई गई है ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। अब प्राइमरी स्कूल में 5 क्लासों को एक टीचर का द्वारा पढ़ाना जो है बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे स्थानों पर स्टूडेंट एक है और टीचर दो हैं, वो भी उस विद्यार्थी की डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती है। मतलब हम थोड़े से विद्यार्थियों के लिए 2, 4, 5, 10 विद्यार्थी होते हैं स्कूल में, उनसे जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल खोल करके हमने जो है विकास कर दिया है, लेकिन उस छात्रों का तो जो है वो नुकसान हो गया है। लेकिन बहुत सारी कंसिडरेशन रहती हैं, कई बार स्कूल खुलते हैं, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पंचायती राज के, नगर निकायों के या विधायक हैं, उनसे आग्रह करें कि भी वो इस प्रकार की व्यवस्था में सहयोग दें कि किस प्रकार से हम इन सारे विद्यालयों को जो है वो कहीं क्लस्टर के रूप में क्या कर सकते हैं, इकट्ठे मिलकर के 2-3 स्कूल जो है मिल जाएं, बच्चे भी ज्यादा बढ़ेंगे और टीचर भी इकट्ठे जो है वो सारी क्लासेस को पढ़ा सकेंगे।